नमस्ते बच्चों, आज हम आपको नाइन्थ क्लास में पढ़ा रहे हैं गद्य खंड में हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी का ये पाठ है जो है प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते ये पाठ आपका आज पाठ छठा पाठ है। कौन सा पाठ है? छठा पाठ। तो प्रेमचंद जी के फटे जूते ये पाठ हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित है। और बात करते हैं हम शब्दार्थों की, तो शब्दार्थ में उपहास का मतलब मजाक बनाना, आग्रह का मतलब पुनः निवेदन, क्लेश का मतलब दुख, तकादा का मतलब तकाजा, पनैया का मतलब होता है देशी जो जूतियाँ होती है ना उसको कहते हैं, बिसरना यानी भूल जाना, नेम का मतलब होता है नियम, और धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। बंद यानी होता है फीता, बेतरतीब यानी अव्यवस्थित तरीके से, ठाट का मतलब होता है शान, और बरकाकर का मतलब होता है बचाकर। हम हरिशंकर परसाई जी की बात कर लेते हैं बच्चों। हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जमानी गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय में आपने एमए करने के बाद में कुछ दिनों तक आपने अध्यापन भी किया था। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन के बाद कुछ दिनों तक आप जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका निकाली थी जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई थी। 1995 में यानी 1995 यानी 1995 में आपका निधन हो गया था। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियाँ में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह था। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये सभी उपन्यास थे। और तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज़, मुझे शिकायत भी है, और अंत में ये सब निबंध संग्रह है, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये सभी इनके व्यंग्य संग्रह है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोधी, बेईमानी आदि पर लिखे गए व्यंग्य लेखकों के शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का आपने निर्वहन किया है। कहने का मतलब है व्यंग्य लेखों से इन्होंने शोषण के विरुद्ध जो अत्याचार हो रहे हैं उनके प्रति आवाज़ उठाई है। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग ये व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपना उपस्थिति दर्ज कराते हैं। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे गए उनके व्यंग्य में व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया गया है। परसाई जी की बोलचाल की भाषा है वो सामान्य है, इसमें सामान्य प्रयोग किया गया है, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। प्रेमचंद के फटे जूते ये शीर्षक निबंध है जिसमें परसाई जी ने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व में सादगी के साथ साथ एक रचनाकार की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की जो दिखावे की प्रवृत्ति है और अवसरवादिता पर उन्होंने व्यंग्य किया है। प्रेमचंद जी का एक चित्र मेरे सामने, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हुई है, कनपट्टी चिपकी हुई है, गालों की हड्डियाँ उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बनाती है। पाँव में कैनवास के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हुए हैं, लापरवाही के उपयोग करने के बाद बंद के सिरों पर लोहे की पतली निकल आई है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। प्रेमचंद जी की
सादगी का वर्णन करते हुए हरिशंकर जी परसाई कहते हैं कि उनके चेहरे का जो भाव है वो बताया है, उसके साथ साथ उन्होंने जो बिल्कुल सादगी से जो पुराने से जूते पहन रखे हैं उनमें बंद डालने में परेशानी होती है और बंद कस भी लिए जाते हैं। बंद जानते हो अपन जो लेश कहते हैं ना, जो वो दाहिने पाँव का जूता ठीक है मगर बाएं पाँव के जूते में बड़ा सा छेद हो गया जिसमें उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि उस जूतों पर अटक गई, सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, वह आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होती है, उसमें पोशाक बदलने का गुण नहीं है, वह जैसा है वैसा ही, जैसा है उसकी जैसी ही फोटो खिंचाएगा वैसी फोटो आ जाएगी। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखों की, तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा संकोच या जेब नहीं है, क्या तुम इतना नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच करके उंगली तक ढक लेते मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे से खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान, ये मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो भी खिंचाना था और ठीक जूते पहन लेते या नहीं खिंचाते, फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था। शायद पत्नी का आग्रह हो रहा होगा कि फ़ोटो खिंचाएंगे और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे, मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजडी है कि आजाद आदमी के पास में फ़ोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारे ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे मैं रो पड़ना चाहता हूँ मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द मुझे व्यंग करके एकदम रोक देता है। बच्चों, उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद जी ने कितने दुख सहे थे। एक तो गरीबी, उसके साथ साथ अंग्रेजों द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता था, यानी नाम उनका अलग था, उन्होंने अपने प्रेमचंद नाम से ये साहित्य वगैरह लिखने उपन्यास वगैरह लिखने शुरू किए, अंग्रेजों के ऊपर हावी होते थे, अंग्रेजों का अत्याचार सहन करते हुए भी भारतीय समाज को उन्होंने उपन्यास का एक बहुत बड़ा खजाना दिया और उपन्यास सम्राट कहलाए। अपनी गरीबी को भी सहन किया, अपने दुख भरे एहसास को भी सहन किया, लेकिन कभी उन्होंने अपने चेहरे पर अपनी गरीबी का किसी के सामने मजाक नहीं बनाया। तुम फोटो का महत्व तो नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते, मांग लोग तो मांग के कोर्ट में वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं, फोटो खिंचाने के लिए बीबी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते भी नहीं मांगे जाते, तुम फोटो का महत्व तो नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए, गंदे से गंदे आदमी भी फोटो भी खुशबू देती होगी, टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में 5 रुपये में कम क्या मिलते होंगे, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ निछावर होती है, तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए। ये विडम्बना है कि तुम्हें इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी परसाई जी कह रहे मुझे आज चुभी है। मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार हो, उपन्यासकार हो, सम्राट हो, उपन्यास सम्राट हो, युग प्रवर्तक हो, जाने क्या क्या कहलाते हो, देश तुम्हें क्या क्या कहता है, मगर फोटो भी तुम्हारे पास में फटे हुए जूतों की, जूता भी अच्छा नहीं, यूँ तो ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर निकली हुई दिखती है पर अंगूठे के नीचे तला भी फटा हुआ है, अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैरी मिट्टी पर कभी रगड़ खा करके लहूलुहान भी हो जाता है।
तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजे नीचे घिस रहे हैं, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। ये फटा जूता बड़े ठार से पहने हो, तुम्हें कुछ कोई मतलब शर्म भी नहीं आ रही है? मैं ऐसे नहीं पहन सकता, फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खींचाऊँ, चाहे जीवन भर बिना फ़ोटो के ही रह सकता हूँ। तुम्हारी ये मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है, क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है ये? हाँ, होरी का गोदान हो गया क्या, पूछ की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई क्या, सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ रहा था? नहीं, मुझे लगता कि माधव औरत के कफन में चंदे की शराब पी गया हो। मुस्कान मालूम होती है, मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। ये मेरी जनता के लेखक, क्या तुम चक्कर काट रहे हो? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए 2-3 मील का चक्कर लगा करके घर लौटते हो? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है और घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने जाने में घिस गया होगा। बड़ी परेशानी हुई, बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने के लिए क्या, जिसके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो करे सलाम। चलने से जूता घिसता है फटता नहीं है, तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ऐसा लगता है कि तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते होंगे, कोई चीज़ जो परत दर परत सर्दियों में जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया होगा, कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया होगा और तुमने उस पर अपना जूता आजमाया होगा। तुम उसे बचाकर अपने बगल से तो नहीं निकल सकते, टीलों से समझौता भी तो हो जाता है पर नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी चली जाती है, तुम समझौता नहीं कर सकते। क्या तुम्हारी वही कमजोरी थी जो हीरो होरी को ले डूबी, वही नियम धर्म वाली कमजोरी? नियम धर्म सबको भी जंजीरों में बांधते हैं, मगर तुम जिस तरह मुस्करा रहे हो उसे लगता है शायद मेरा नियम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पांव की उंगली संकेत करती सी लगती है कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसके तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली की तरफ इशारा करते हो। तुम क्या इसको तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगली का इशारा ही समझता हूँ और ये व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या कभी किसी पर हंसते भी नहीं हो, पर उन जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए जा रहे हैं उन पर जो टीले को बरका कर बाजू में निकल रहे हैं, तुम ये कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार करके जूता फाड़ दिया है, उंगली बाहर निकल गई है, मगर तुम उंगली को ढाकने की चिंता भी तलवों का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। इस प्रकार प्रेमचंद जी की सादगी पर व्यंग्य कर रहा है हरिशंकर परसाई। देखिए बच्चों, जिंदगी में प्रेमचंद जी ने साहित्य को तो अपना अलग स्थान दिया ही था, लेकिन अपनी सादगी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। आज देखिए आपके दादाजी जो पहनते हैं, हैं उन्होंने ज़िंदगी जी ली है, वो सोचते हैं कि जीवन में कुछ होना चाहिए लेकिन तड़क भड़क वाला हो, ये उनके दिमाग में नहीं होता है। आज दादाजी की ड्रेस में और अपनी ड्रेस में फ़र्क नहीं नज़र आता क्या? वो बिल्कुल अपने जीवन को एडजस्टमेंट कर लेते हैं, और हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। हम हर शादी ब्याह में 2-4 ड्रेसें खरीदते हैं। आज आपके पास में मान लो 50 ड्रेसें होंगी तो आपकी दादाजी 40 नहीं तो 30-15 ड्रेसों में भी काम चला लेंगे, और वो काफ़ी दिनों से एडजस्टमेंट कर लेते हैं ज़िंदगी के साथ कि जीवन कपड़ों से नहीं व्यवहार से दिखता है। तो उनकी सादगी का वर्णन करते हुए इन्होंने उनके फटे जूतों के बारे में व्यंग्य किया है, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि जिंदगी इंसान अपने आर्थिक परिस्थिति के अनुसार चलाता है, किसी के कहने या करने से नहीं।
आप निश्चित रूप से इसको अपनी कॉपी में करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया ना, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आई है उनको आपको लिखना है। क्या करना है? लिखो, ठीक है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर आपको किसी अपने आसपास किसी एक व्यक्ति के बारे में शब्द चित्र अंकित करना है। 10 लाइनें लिखनी है जो बिल्कुल जीवन को सादगी से जीता हो, बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनता हो, उसके बारे में आपको कल्पनातीत बन करके और अपनी कल्पना के आधार पर सादगी पसंद आदमी के बारे में 10 लाइनें लिखनी है। अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम आपको भेजेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।